Real FM 94. ओके वंस अगेन वेलकम बैक, माय नेम इज उमर, आप सुन रहे हैं धमाल फिल्म 94 पे। मुझे इस आवाज को और इस आवाज को आप सुन सकेंगे 12 बजे तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, शो का आगाज हमने कर दिया है एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज द टॉपिक जिस शो के आज हम बात कर रहे हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू एजुकेट अ वुमन इन आर सोसाइटी। और कहीं ना कहीं इसका लिंक हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है और उस तरह से बाहर जो है वो लोग अब नहीं आ रहे हैं और इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर नहीं हो रहा है। वन ऑफ द मेन रीजन इज कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एज यू नो कि बच्चे का जो सबसे पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है ना, वो एक माँ होती है। और कहते हैं कि 80% जो आपकी स्माइल होती है ना, वो अपनी माँ पे जाती है। आपने कभी उसकी रीजन को सोचा है कि ये ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा अगर किसी बच्चे ने अगर सबसे ज्यादा अगर किसी शख्स ने किस कोई शक्ल देखी होती है ना, तो वो अपनी माँ की शक्ल होती है। आपने अपनी माँ को एक खास अरसे तक, जब आप बोल भी नहीं सकते थे, जब तक आप चल भी नहीं सकते थे, यानी हर टाइम 24 घंटे आपकी या तो आंख खुलती थी तो आपके सामने आपकी माँ होती थी, ठीक है, या बंद होती थी या खुलती थी। बस ये दो काम होते हैं एक बच्चे की जिंदगी में खास अरसे तक, ठीक है। उसको किसी दूसरी चीज की समझ नहीं होती है, सिर्फ वो अपनी माँ को पहचानता है, उसका रब सब कुछ, उसका प्यार, उसकी जिंदगी, उसकी वेल्थ और उसका अपना अपनी जात, जो कुछ भी है वो सारा उसका सिर्फ एक माँ ही होती है, वही होता है जो उसके सामने शक्ल होती है। तो इसीलिए इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है माँ। और सबसे पहला इंस्टीट्यूट भी यही होता है, ये जितना अच्छा इंस्टीट्यूट होगा उतना ज्यादा वो बच्चा जिंदगी में, अमली जिंदगी में भी और इस सोसाइटी में भी वो सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन आजकल का मसला ये है कि ये बिगाड़ इसलिए पैदा हो रहा है कि हम लोग एक तो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, दूसरा हम लोग इस चीज को ना समझने की वजह से औरत को एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, हम लोग औरत को ट्रेंड भी नहीं दे रहे हैं कर रहे हैं, जब उसकी इतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। क्वालिफिकेशन तालीम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंटेलेक्चुअल की, मैं बात कर रहा हूं विजन की, मैं बात कर रहा हूं कैलिबर की, मैं बात कर रहा हूं एक सोच की, मैं बात कर रहा हूं एक गोल की, ठीक है। एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है ना इन चीजों के सामने। एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं भी है तो वो फिर भी वो आप जो है वो बड़ी ट्रमेंडस सक्सेस वो हासिल कर सकता है जिंदगी में। आपके सामने बेतहाशा लोग हैं, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, जिन्होंने जो स्कूल से जो है वो फायर्ड थे और मतलब कॉल ऑफ कर दिया गया, उनको कहा गया ये पढ़े लिखे नहीं है, इनमें अक्ल शऊर नहीं है और ये हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर सकते हैं, और उन लोगों ने जिंदगी में क्या क्या कमालात दिखाए हैं। आज हम उनका नाम ना सिर्फ पढ़ते सुनते हैं बल्कि उनकी एजादात को इस्तेमाल भी करते हैं। और हमारे यहाँ पे बात की जाए तो वन ऑफ द गुड नेम जो आता है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है अब्दुल सत्तारीदी साहब। क्यों वो बने अब्दुल सत्तारीदी? आपने कभी उनकी वो बुक पढ़ी है ईबीईडी वाली, जिसमें उन्होंने अपनी माँ का जिक्र किया इतना ज्यादा कि वो जब मुझे पैसे देती थी तो पता नहीं दो आने देती थी, एक वो खुद के लिए और एक अगर कोई मांगे तो उसके लिए, और मैं हमेशा वो किसी को दे के आता था। और खाना जो है वो कभी मैं अपना टिफिन जो है वो माँ जो देती थी वो मैं बचा के घर नहीं लेके आता था, जो बच जाता था मैं वो खिला के आता था। नेपोलियन से एक दफा पूछा गया कि जब उन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया, जब उन्होंने अपने टाइम के अंदर तो मुल्क के अंदर बहुत बड़ा उनके लिए एक रिमार्केबल हिस्ट्री में चीज ही आती है, तो उनसे पूछा गया था कि आप जो है वो नेशन की जो प्रोग्रेस है, जो आपकी जो ये कंट्री है, जो ये मुल्क है, इसकी प्रोग्रेस को आप कैसे देखते हैं, आप सबसे ज्यादा नीड क्या समझते हैं, फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? तो उन्होंने आगे से कहा था कि नेशंस प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट ट्रेंड एंड एजुकेटेड मदर्स। कि उन्होंने कहा था कि नेशन की, मुल्क की जो प्रोग्रेस है, उसकी जो तरक्की है, वो नामुमकिन है किसके बिना, एक एजुकेटेड माँ के बिना और एक ट्रेंड माँ के बिना। और अगर आपने कहा था कि ऐसा नहीं होता है तो आपकी हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन है, हाफ ऑफ द पीपल, आपकी जो कंट्री के आधे लोग जो हैं वो इग्नोरेंट हो जाएंगे। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि एजुकेशन हाईली इम्पेरेटिव है किस औरत के लिए कि आप इससे नस्लें जो हैं वो बदल सकें। तो हमारे आप देख लें कि हमारे ये कितना हो रहा है। हमारे यहाँ पे हम औरत को
यहाँ इवन कि हम खुद औरत को ऐसे लेते हैं, किसी ने तो क्या समझना है, हमारे नजदीक सिर्फ औरत शादी की उससे और शादी करके बच्चे पैदा हुए हैं और उसको घर के लिए बस हम लोग रखते हैं जैसे कि वो इन्हीं चीजों के लिए है। इससे आगे ना हम उसको कभी सोचने देते हैं और ना कभी हम इससे आगे, हमें तो फीक होती है कि हम उसको कोई चीज सिखाएं, उसको एम्पावर करें, उसको एक सोसाइटी में अपना खुद सर्वाइव करने के लिए हम उसको ट्रेन करें। अच्छा, ये इसलिए जरूरी नहीं है कि उसका अपना सर्वाइवल है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके घर के लिए बहुत जरूरी है और आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो घर, आपके जो बच्चे हैं वो उनकी एक प्रॉपर नशोनुमा हो, वो अच्छे इंसान बने और उनको हर वो चीज मिले जो एक जो राइट है बच्चों का, उनको जो बेसिक राइट मिलना चाहिए, तो आपको घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपनी जो औरत है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बहन है, मैं औरत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको ये करना है कि औरत को आपने जहनी मरीज नहीं बनाना है। अब ये जहनी मरीज ना बनाने की वजह से होगा क्या, आपकी सोसाइटी के अंदर बच्चे आएंगे वो पैनिक क्रिएट करने वाले बच्चे नहीं होंगे, वो सब्र करने वाले बच्चे होंगे, वो आगे बढ़ने वाले बच्चे होंगे, उनमें एक कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, उनके अंदर एक कैलिबर होगा, उनके अंदर एक सोच होगी आगे बढ़ने की, उनकी एक लगन होगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये चीजें कि आप एक औरत को मतलब एक ऐसी प्रोडक्ट मत समझें कि वो उससे सिर्फ मार्केटिंग की जा सकती है, जैसे टीवी पे हम लोग देखते हैं कि उनके जो कुछ करवाया जा रहा हो जाता है औरत से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके, अब आपके इस एरिए में जो भी चीजें आती हैं, जो लोग भी आते हैं, ठीक है, तो आपका ये बनता है कि आप उसको ट्रेन करें, ठीक है, एजुकेशन दें। अगर आप एक बाप हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने मैं अपने वर्क प्लेस पे था तो वहां पे एक बाप जो है वो अपनी बेटी को लेके आया और अब मैंने वो गुफ्तगू सारी सुनी कि वो उसने अपनी बेटी को क्या कहा और वो तकरीबन 10-15 मिनट तक मेरे सामने वो बैठे रहे थोड़े फासले पे, लेकिन मतलब मुझे समझ आ रही थी कि ये उसको क्या कह रहा है और इनकी क्या बातचीत चल रही है, ठीक है। तो और वो मेरे कोलीग थे, उनके वो दोस्त थे, उनके पास वो आए थे कोई किसी काम से, वो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे बड़ा हर्ट हुआ, बहुत पेनफुल मुझे वो चीज लगी, बड़ी तकलीफ हुई मुझे ये सुन के जो कुछ उन्होंने कहा और जो कुछ मैंने देखा आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आज आपके मैसेजेस भी 0332-0940-945 पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज उमर, आप सुन रहे हैं धमाल फिल्म 94 पे और बात आज जिस टॉपिक पे हो रही है आपको पता चल गया होगा, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं 0332-0940-945 पे एंड यू आर टेक्सटिंग ऑन फेसबुक ऑल्सो, वहां पे आप मुझे सर्च करेंगे बाय द नेम ऑफ आरजे उमर ताहिर। और आई नो आज का शो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये कभी कभी चीजें जरूरी होती हैं, कुछ चीजें समझना और ये नाच गाना और ये एंटरटेनमेंट और चिल करना सारी जिंदगी काम नहीं आता आपका, आपके तो देर आर सम थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, देर आर सम थिंग्स दैट विल हेल्प यू इन योर लाइफ टू गो मूव फॉरवर्ड, जो आपकी जिंदगी में आप बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं, कहने को तो सिर्फ एक बात है लेकिन समझने को ये बहुत कुछ है। इसके बाद वापस आता हूं, मजीद इस पर बात करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस बाप ने अपनी बेटी से गुफ्तगू क्या की और मुझे तकलीफ किस चीज की हुई और क्यों मुझे उस बात ने फिर सोचने पर मजबूर किया कि मैं इसके ऊपर बात करूं जो आज मैंने टॉपिक रखा है।